ये सबको एनर्जी ड्रिंक मिलती हुई चेयर्स, और ये सब भाई लोग एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करते हुए उसके बाद वो सामने स्टेज है जहाँ पे इवेंट होना है, जहाँ पे एक बैंड परफॉर्मेंस है, तो एनर्जी ड्रिंक एंजॉय करते हैं उसके बाद वहाँ पे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिंग राइडर ब्लॉग्स। और 27th ऑफ सितंबर की ब्यूटीफुल मॉर्निंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ एक कॉज रेड को अटेंड करने, जो कि है हमारे वीर जवानों के लिए, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो डटे हैं सरहदों पर, ताकि जो आवाम है हमारे भारत की, इंडिया की, वो शांति से, सुकून से और आराम से सो सके। तो बहुत बहुत सैल्यूट है, भले वो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, भले वो हमारी जल सेना है, भले वो हमारी थल सेना है, तो उनको सैल्यूट करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको स्पेशल फील कराना भी हमारा एक कर्तव्य है जो आज हम निभाने जाने वाले हैं। आज की राइड होने वाली है सैल्यूट टू डिफेंस फोर्सेस, जैसे कि मैंने अभी बताया। और अभी मैं निकल चुका हूँ घर से। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ग्रुप के फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर, जहाँ पे मुझे निशांत भाई मिलेंगे, और वहां से उन्हें पिक करके हमें आगे जाना है हमारे ग्रुप का सेकंड मीटिंग पॉइंट, जो कि है रेडिसन व्यू महिपालपुर। वहां पर हमें बाकी राइडर्स मिलेंगे, और बाकी राइडर्स से मिलने के बाद हम जाएंगे इस राइड की मेन असेंबली पॉइंट, जो कि है एम्बियंस मॉल गुरुग्राम। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेलकम टू सिंग राइडर व्लॉग्स। ये निशांत बाजी आ गए हमारे, चलो मैं पहुंच गया हूँ नियर बाय एम्बियंस वॉल। यहाँ से लेफ्ट होते ही एम्बियंस वॉल है, और जो मेन असेंबली पॉइंट है 24/7 वाला, वो भी यही है। यहाँ से हमें राइडर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, ये रहे सब राइडर्स लाइनअप होते हुए 24/7 के पास। अब इनमें से हमारे ग्रुप कहाँ है, हमारे ग्रुप के राइडर्स कहाँ है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा एक बार। वो रहे 24/7 मेरे, और ये खड़े हमारे यशपा जी। बाजी माफी, बाजी माफी, बाजी माफी, बाजी माफी मत मांगो, राइड निकल गई है। क्या बात कर रहे हो, लेट आए तो रुके क्यों? राइड निकल गई है, इसे चलान भी हो रहे हैं। कहाँ पे? चलान तो कर रहे हैं। किस चीज के? किस चीज के चला? तो चलो ना फिर। बहुत बढ़िया जी। तो चलो ना फिर, अपनी राइड कहाँ है? ये सब राइडर्स खड़े हैं, मेरी वजह से, मेरे लेट होने की वजह से राइड निकल गई, और सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अब सीधा लोकेशन पे पहुँचते हैं, क्योंकि राइड तो हमने मिस कर दी है। गाइस एक कमाल की चीज़ दिखी है, और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये छोटी सी गाड़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अरे वाह, चलता फिरता एरोप्लेन। गाइस छोटे छोटे कैफे है वहाँ पर सामने, और काफ़ी कम राइडर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अरे आगे चलो ना, क्या हुआ? वो कह रहे थे थोड़ल थोड़ल के पीछे कोई खाली जगह है इनकी, वहां पर होंगे सारे कैदर। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, हम लोग डायरेक्ट थोड़ल थोड़ल आ गए थे, पर यहाँ के पता चला है कि राइड अभी यहाँ पे पहुंची नहीं है, और राइड अभी पीछे ही गई है, और लोकेशन का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो आगे एक लोकेशन आ रही है, जहाँ पर हम जाके देखते हैं कि इवेंट वहाँ पर है कि नहीं, और जो भी आगे की फर्दर अपडेट्स होती हैं फिर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। वी आर लॉस्ट गाइस, गाइस वी आर लॉस्ट, हम सब गुम हो गए हैं, हमें अपना राइड इवेंट का जो वेन्यू है वो नहीं मिल रहा है, और आप बस चली जा रहे हैं। और जब हमें ऑफ रोडिंग के भी मज़े मिल गए हैं, कच्ची सड़क है बिल्कुल, देखते हैं ये कच्चा रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है सेनोरिटा।
यहाँ तो बस भैंसे ही भैंसे दिख रही हैं। आगे से मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है, क्या लगता है हमें आगे जाना चाहिए? हमें इस एडवेंचुरस जगह पे जाना चाहिए कि नहीं? बहुत ही सुनसान सी जगह है, गाइस ये थ्रॉटल शॉटल का मोटो रेंज पे हम पहुंच गए हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, वार्निंग, बीवेयर ऑफ डॉग्स, नो ट्रेस्पेसिंग, वायलेटर्स विल बी शॉट, सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। ओ तेरी, अरे ये तो गोली मारने को बोल रहे हैं भाई, बच गए तो वापस मारेंगे, चलो रे। तो गाइस अपनी लोकेशन ढूंढते हुए हम एक ऐसी सुनसान सी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बस हम बाइकर्स ही बाइकर्स हैं और कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। और ये थ्रॉटल शॉटल का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मोटो रेंज लिखा हुआ है। ये देखिए हमारे ग्रुप के बाइकर्स हैं और भी कुछ बाइकर्स हैं, और यश भाई और अमित भाई अंदर पता करने गए हैं कि एक्चुअल में यही जगह है या कोई और जगह है, तो देखते हैं। ये सारे राइडर्स करें तो एक बढ़िया सा एडवेंचर हो गया हमारे साथ, और आगे देखते हैं अब और क्या एडवेंचर हमारे लिए वेट कर रहा है, और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस फाइनली पता लग गया है, हम दूसरी साइड वाले डोर पे थे, पहले यहीं पे हुआ करते थे इवेंट्स, पर अब जो है लोकेशन चेंज हो गया, तो यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड पे कह रहे हैं कि सारा इवेंट जो है वो रखा गया है। हमें लगा था कि हम बहुत ज्यादा ही गलत आ गए हैं, पर अब हम अपनी लोकेशन पे जो वेन्यू है इस राइड का वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और वहाँ पे पहुँच के आपको सारा अरेंजमेंट मैं दिखाता हूँ कि क्या अरेंजमेंट किया गया है राइडर्स के लिए, क्या इवेंट है, क्या क्या इंक्लूजन्स है। तो बने रहिएगा व्लॉग में गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। और इस ऑफ रोड पैच पे आके तो एडवेंचर थोड़ा सा और बढ़ गया है, और मज़ा आ गया है। मुझे लगा था कि नॉर्मल राइड जो हम मेन हाईवेज पे होंगे, पर पता नहीं था कि इस पैच पे भी आना पड़ जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसे पैचेस पे गांव के इलाकों में तो हमेशा से मज़ा आता है, गांव की कच्ची कच्ची सड़कें होती हैं, ग्रीनरी होती है, कच्चे कच्चे पैचेस होते हैं, और इनके ऊपर थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने का अलग ही एडवेंचर है, अलग ही स्वाद है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ और जाता है, जैसे आज पहले मैं सुबह लेट हो गया जो कि सोचा नहीं था, उसके बाद जब पहुंचा तो राइड निकल गई, राइड को फॉलो करते करते हम अपने मेन वेन्यू पे आए तो ये सब पैचेस हमें मिल गए। तो होता कुछ है, बंदा सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है, पर जो भी है ठीक है, भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा भगवान जी ने सोचा है, जैसा भगवान जी ने प्लान किया है। हमारे प्लान उसके आगे कुछ भी नहीं है, हमारा प्लान तो यही है कि जो भगवान ने लिखा है उसको फॉलो करो, और भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो इसमें भी कुछ अच्छा ही था, कुछ नए राइडर्स देखे हमने जो हमारी तरह ही फॉलो करते हुए आए इस जगह। मेन वेन्यू फाइनली हम पहुंच गए हमने मेन वेन्यू पे, इतनी देर घूम घुमा के, और कैस्ट्रॉल ऑटो केयर, कैस्ट्रॉल पावर अल्टिमा, गए जाइए थ्रॉटल शॉटल मोटर रेंच, और एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक का ये छोटा सा आउटलेट सा लगा हुआ है, और बहुत ही जबरदस्त। यहाँ से एंट्री करनी होगी पेमेंट करके, चलो देखते हैं क्या होता है। तो क्या यहाँ से मैंने कूपन ले लिया, और अब मैं आगे की तरफ बाइक पार्क करता हूँ, बाइक पार्क करके आ रहा हूँ। हाँ ले लिया, बाइक पार्क करके आ रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद हम अपना इवेंट कवर करते हैं। लेट होने का भी कुछ फायदा हो गया, ठीक है। हाँ सबने बाइक पार्क की है, तो गाइस फाइनली हम अपने इवेंट पे पहुंच गए, और देखिए कितनी सारी बाइक्स, सुबह सुबह के नज़ारे, हल्की हल्की खिलती हुई धूप, बाइकों का शोर, लाइट्स, बहुत ही ज़बरदस्त। जिसके लिए अर्ली मॉर्निंग हम उठ के आते हैं वही सब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और एक से बढ़कर एक बढ़िया। यहाँ पे हर ब्रांड की बाइक आपको मिलेगी,
यहाँ पे भी लोगों ने पार्किंग कर दी है। ये बनी हेलमेट वाले भाई साहब, पिकाचु हेलमेट वाले भाई साहब, ये रॉयल इनफील्ड, होंडा हीरो, इंपल्स, वहाँ से एंट्री होते हुए ये स्टेज है, तिरंगा हमारा लहराते हुए शान से। यहाँ पर कूपन लिए जा रहे हैं, जहाँ पे हमने पेमेंट करके कूपन लिया। यहाँ सारी इवेंट की सेरेमनी होनी है। यहाँ पे कुछ राइडर्स के लिए क्लोथिंग वगैरह भी टंगी है, आप अगर परचेज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये बैठने के लिए थोड़ा सा सेटअप है और ये स्टेज है जहाँ पे सब कुछ होना है। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, वहाँ पर कुछ ऑफ रोडिंग ट्रैक है गाइस, उस साइड पीछे की तरफ जाके कुछ ऑफ रोडिंग ट्रैक है, बट वो शायद आज के इवेंट के लिए ओपन है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, बाकी इवेंट में देखते हैं क्या कुछ होता है। ये देखो ये हमारा वेट करते हुए, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। अरे नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना, नहीं 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 गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी। ये हमारा स्वागत करते हुए, ठीक है वेलकम कर दिया, वेलकम है। यहाँ पे कुछ पानी का अरेंजमेंट है, ये शायद वेलकम ड्रिंक है। ये क्या है भैया? जलजीरा। ये जलजीरा है और आगे पानी है, तो चलो फटाफट से पीते हैं, बहुत प्यास लग रही है। तो गाइस ये अमित बाजी 10वां ग्लास पीते हुए जलजीरे का, और कह रहे आज तो मैं जलजीरा पीऊंगा। बाहर चलना है, इवेंट बाहर है, हम पानी पीने आए थे। यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं जहाँ पे राइडर्स बैठ गए हैं, और काफ़ी अच्छा सा सेटअप किया हुआ है। ये देखिए ट्रैक्टर का जो फ्रंट होता है उससे टेबल बना के और चेयर्स लगाई हुई हैं यहाँ पर। गाइस ये रश लगा हुआ है, यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक मिल रही है, तो हम भी चलते हैं और अपनी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद उसे इंजॉय करते हैं। गाइस ये मॉन्स्टर की हमें एनर्जी ड्रिंक मिली है, काफ़ी एनर्जी सुबह से लग गई है, तो इसे पी के अपनी एनर्जी को रिफिल करते हैं और उसके बाद वो सामने इवेंट है, फिर उसको रिकॉर्ड करके एंजॉय करते हैं। सामने इवेंट एंजॉय करते हैं। ये बाजी भी जंग जीत गए, नहीं एनर्जी ड्रिंक मिल गई है। दूसरा ये जो यूनिक ऑनर आप सभी लोगों ने मेरे ऊपर बेस्टो किया है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं कि हर साल ऐसा और इससे भी और अच्छे दर्जे की ऐसी राइड ऑर्गेनाइज करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। बम्बू का राइडर था मतलब वो आगे से जो ब्रेकफास्ट है उसकी लाइन लगी हुई है, वन बाय वन सब अपना कूपन दिखाएंगे और उसके बाद सब ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हम भी यहाँ पे हमारे राइडर्स यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ेगी तो हम भी अपना कूपन देके अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। वहाँ इवेंट अभी चल रहा है स्टेज के ऊपर और वहाँ से बाइक्स की आवाज़ आ रही है, पीछे की तरफ ऑफ रोड ट्रैक है, तो हम भी ट्राई करेंगे, अगर हमें भी ऑफ रोड करने के लिए दिया जाएगा तो हम भी ज़रूर जाएंगे अपनी बाइक्स लेकर। तो ये हमने सबने अपना अपना खाना ले लिया ब्रेकफास्ट, इसमें है पाव भाजी, सैंडविच और ये केक है, और महफिल यहीं जम गई है सबकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और बैठने की जगह जिसको जहाँ मिल रही है वहाँ ले रहा है, ये लाइन लगी हुई है
खाने के लिए, और हम लोग भी अब यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। और गाइस एक ग्रुप फोटोग्राफ लेते हुए, तो गाइस इवेंट खत्म हो गया है। Please like, comment and share the video and subscribe the channel.